आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें, तो उत्तराखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 1560 नए मरीज मिले। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। लगभग 7 महीने बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामले ने लंबी छलांग लगाई है। बीते 24 घंटे में 1560 संक्रमित मिले हैं। संक्रमण दर 10.26% हो गई है, जबकि 270 संक्रमित ठीक हुए हैं। 3254 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। कुल संक्रमितों की संख्या 3,49,472 हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 537 कोरोना संक्रमित मिले। नैनीताल में 404, हरिद्वार में 303, पिथौरागढ़ में 82, अल्मोड़ा में 52, उधमसिंह नगर में 37, चंपावत में 46, टिहरी में 28, उत्तरकाशी में 20, बागेश्वर में 13, पौड़ी में 24, चमोली में 8, रुद्रप्रयाग में 6 संक्रमित मिले। मसूरी में बर्फबारी, घंटों जाम में फंसे पर्यटक। तो एक हफ्ते में दूसरी बार सक्रिय हुई पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। हरिद्वार, देहरादून जैसे मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। मसूरी में जैसे ही बर्फबारी की जानकारी लोगों को हुई, सैकड़ों पर्यटन वाहनों के साथ उमड़ पड़े। दिन भर जाम की स्थिति बनी रही, रात 10:30 बजे जाम खुल पाया। उधर गढ़वाल और कुमाऊं की ऊंची पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई। मसूरी धनोल्टी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। चारधाम क्षेत्र, हेमकुंड साहिब, चकराता, पिंडर घाटी और ओली में जमकर बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ में 3 फीट तो हेमकुंड साहिब में 4 फीट बर्फ दर्ज की गई। चमोली में 15 से अधिक गांव बर्फ से ढके हुए हैं। ग्रेड पे नहीं, सिपाहियों को एक मुश्त मिलेंगे 2 लाख। तो उत्तराखंड पुलिस के सिपाहियों को पहले बैच को 4600 ग्रेड पे नहीं मिलेगा, इसके स्थान पर अब उन्हें 2 लाख रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव, तो उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में एक चरण में मतदान 14 फरवरी को होंगे। तो कोरोना के बीच चुनावी महाकुंभ, कोरोना और इसके नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच निर्वाचन आयोग ने पाबंदियों के साथ 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनावी महाकुंभ का ऐलान कर दिया है। कोरोना को देखते हुए राजनीतिक रैलियां, जनसभा, साइकिल यात्रा और पदयात्राओं पर रोक रहेगी। फिलहाल यह रोक 15 जनवरी तक है। इसके बाद आयोग हालत की समीक्षा करेगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होंगे मतदान। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। अब सरकारें कोई योजना या जन कल्याणकारी घोषणाएं नहीं कर सकेंगी। आयोग ने आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था कर दी है। चुनाव कर्मी माने जाएंगे कोरोना योद्धा। तो सभी चुनाव कर्मी कोरोना योद्धा माने जाएंगे। सभी को बूस्टर डोज दिया जाएगा, बिना टीका ड्यूटी नहीं लगेगी। बर्फबारी से यमुनोत्री हाईवे बंद होने से पर्यटक फंसे। तो जिला मुख्यालय के चारों ओर पहाड़ियां बर्फ से लदलद हो गई हैं। शनिवार सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण ठंड बढ़ने के साथ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उधर बर्फबारी के कारण यमुनोत्री हाईवे कई जगह बंद है। यमुनोत्री क्षेत्र में 8-10 पर्यटकों के फंसे होने की भी सूचना है। वहीं धारचूला पिथौरागढ़ से खबर आई है, -30 डिग्री तापमान, मौसम ले रहा इम्तिहान। तो सीमांत जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी सीमा पर तैनात जवानों का कड़ा इम्तिहान ले रही है। -30 डिग्री तापमान पहुंचने के बाद नौले और धारे जम गए हैं। चुनावी बिगुल बजने से पहले ताबड़तोड़ शासनादेश जारी। तो चुनावी बिगुल बजने से पहले तक राज्य में शासन में लंबित फैसलों के ताबड़तोड़ शासनादेश जारी हुए। ये सभी बैकडेट के शासनादेश थे। टिकट की दौड़ में शामिल कुछ दावेदारों को आयोग में जगह दे दी गई। चुनाव आचार संहिता घोषित होने से पहले तक सरकार सौगातें बांटती दिखाई दी। वैलेंटाइन डे पर लोकतंत्र के लिए प्यार का इजहार करेंगे मतदाता। तो संयोग है कि उत्तराखंड में मतदान की तिथि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को रखी गई है। इसी दिन उत्तराखंड के वोटर मतदान के जरिए लोकतंत्र के प्रति अपने प्यार का इजहार करेंगे। लाल टिब्बा में बर्फबारी, खूब उमड़े पर्यटक। धनोल्टी में शनिवार को बर्फबारी हुई, यहाँ करीब 2.5 इंच बर्फ जमी है। रेल किराया महंगा, 50 रुपये विकास शुल्क बढ़ा। तो रेलवे स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत विकसित किए जाने वाले स्टेशनों के यात्रियों को सुविधा के नाम पर अधिक किराया देना होगा। ट्रेन की विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों से 10 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक स्टेशन डेवलपमेंट फीस ली जाएगी।
धामी ने कई घंटे यमुना कॉलोनी से चलाई सरकार। तो आचार संहिता लागू होने से पहले जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यक्रम रद्द कर कुछ जरूरी फाइलों का निस्तारण किया, वहीं उन्होंने राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से भेंट की। वंदना उत्तराखंड की नई बेसिक शिक्षा निदेशक। तो वंदना गवरियाल बेसिक शिक्षा विभाग की नई निदेशक होंगी। डीपीसी की संस्तुति पर सरकार ने अपर निदेशक से निदेशक पद पर प्रमोशन कर दिया है। चुनावी सभा में देना होगा मास्क और सैनिटाइजर। तो निर्वाचन आयोग ने फिलहाल चुनावी रैलियां आयोजन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन भविष्य में यदि आयोजन हुई भी तो यहां आने वाले लोगों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रत्याशी की होगी। आचार संहिता लागू, अब नए फैसले नहीं ले पाएगी सरकार। तो राज्य की कार्यवाहक सरकार आचार संहिता के दौरान नए फैसले नहीं ले सकेगी। हालांकि कोरोना संक्रमण से निपटने के मामले में यह नियम लागू नहीं होगा। हालांकि किसी भी फैसले से पूर्व सरकार के लिए चुनाव आयोग की सहमति जरूरी होगी। आप पर बच्चों से चुनावी पोस्टर लगवाने का आरोप। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए किशोरों से पोस्टर लगवा रही है। केंद्रीय बाल आयोग की ओर से डीजीपी अशोक कुमार को पत्र भेजकर इसकी रिपोर्ट मांगी गई। इसके बाद डीजीपी ने सभी जिलों को इस मामले में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। चुनावी भागदौड़ के बीच निपटेंगी शादियां। तो उत्तराखंड में चुनाव की तिथियाँ घोषित होते ही शादी ब्याह वाले घरों में भी मंथन शुरू हो रहा है। सराहत की बात यह है कि मतदान के दिन शादी का मुहूर्त नहीं है, लेकिन चुनावी प्रशिक्षण तैयारियां और बूथ बनाने की भाग दौड़ के बीच शादियां संपन्न होंगी। 14 जनवरी से खरमास की समाप्ति के बाद मकर संक्रांति से शादी के साए शुरू हो रहे हैं। जनवरी माह में 6 शुभ मुहूर्त के बाद फरवरी में शादी के कुल 11 मुहूर्त हैं। विधानसभा में बैकडोर भर्तियों को लेकर के भाजपा और कांग्रेस घेरे में। तो विधानसभा में बैकडोर भर्तियों को लेकर के भाजपा और कांग्रेस सवालों के घेरे में। दूसरे विपक्षी दल विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। सरकार ने 24 दिसंबर को विधानसभा के लिए 69 पदों की मंजूरी देकर बैकडोर भर्तियों को हवा दे दी है। सूत्रों का कहना है कि इनमें से कुछ को गुपचुप तरीके से नियुक्ति पत्र भी थमा दिया गया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म उद्यमी पर केस। तो शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में एक उद्यमी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 7 माह की गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार करने पर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। अश्लील वीडियो दिखाकर कांग्रेस नेता को धमकी। तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह को अश्लील वीडियो दिखाकर दिल्ली का एक युवक ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता ने डांडवाला कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। आरोपी खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अफसर बता रहा है। प्रदेश में समूह ग के 201 पदों पर निकली भर्तियां। तो प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने से कुछ ही घंटे पहले अधीन सेवा चयन आयोग ने 3 विभागों में 201 पदों पर 3 भर्तियां निकाली हैं। तीनों भर्तियों का विज्ञापन जारी करते हुए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथियां भी जारी कर दी। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक सभी भर्तियों में आयु सीमा में 1 साल की छूट के साथ ही आवेदन की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। किसी भी जानकारी के लिए आयोग के टोल फ्री नंबर 9520991172 पर कॉल कर सकते हैं। तो पहली भर्ती जो है वो मत्स्य विभाग में 28 पद पर है। तो मत्स्य विभाग में मत्स्य निरीक्षक के 28 पदों पर भर्ती के लिए 20 जनवरी से 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। दूसरी भर्ती सहकारिता व जीबी पंत विश्वविद्यालय में 73 पदों पर निकली है। वहीं तीसरी भर्ती गन्ना विकास विभाग में 100 पदों पर मौका। तो गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 78, डेयरी विकास विभाग में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 9, चाय विकास बोर्ड में बागान पर्यवेक्षक के 4, जीबी पंत में गार्डन ओवरसियर के 1 और खाद्य संस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक में 8 पदों पर भर्ती के लिए 27 जनवरी से 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एलोपैथी आयुर्वेद विभाग में बम्पर भर्ती है। तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और आयुर्वेद विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर चिकित्सा अधिकारी और एएनएम पदों पर बम्पर भर्ती होगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद 1500 से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं को लगा झटका।
तो निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब विभागों में न तो कोई नया काम हो सकता है और न ही चुनाव संपन्न होने तक राज्य में कोई नई भर्ती ही कराई जा सकती है। ऐसे में उन हजारों लाखों युवाओं की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार भर्ती एजेंसी उत्तराखंड कर्मचारी चयन आयोग UKPSC उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग UKSSSC समेत सहकारिता विभाग द्वारा 2500 से 3000 रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। युवाओं से आवेदन मांगे गए, हालांकि इनमें से कई पद पर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होनी बाकी है। बहरहाल यह तय है कि फिलहाल कोई परीक्षा अब राज्य में नहीं कराई जा सकती। UKSSSC से मिली जानकारी के अनुसार एक परीक्षा 23 जनवरी व दूसरी परीक्षा 30 जनवरी को प्रस्तावित है। आचार संहिता में क्या कहा गया है कि यह जानने के लिए ही परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। 23 और 30 जनवरी को भी दो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, अन्य में फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं UKSSSC के सचिव संतोष बड़े ने कहना है कि अधिकांश पदों की जो विज्ञप्ति जारी हो गई है उनमें अभी अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। तो इन पदों पर निकली है भर्ती। तो UKPSC में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के 4 पद, महिला कल्याण विभाग में अधीक्षिका के 1 पद, लोक निर्माण विभाग में सहायक भू वैज्ञानिक की भर्ती निकली हुई है। वहीं उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज में 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है। अपर निजी सचिव में महाधिवक्ता के 1 पद पर, वहीं उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में 318 पदों पर भर्ती निकली हुई है। UKSSSC की बात करें तो मत्स्य विभाग में 28 पद, विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियंता के 76, विभागों में सांख्यिकी के 93, बीज परीक्षण सहायक के 2, फॉर्म पर्यवेक्षक के 1, सहायक विकास अधिकारी के 2, वर्ग 2 के 6। वहीं गृह विभाग के तहत आरक्षी और फायरमैन के 1521, उत्तराखंड सहकारिता विभाग व गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के तहत 64 पदों पर भर्ती निकली हुई है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोशीमठ चमोली में शिक्षण कार्य हेतु अभ्यर्थियों से आमंत्रण। तो इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक गणित के 1 पदों पर भर्ती निकली हुई है जो कि 11 माह के लिए रहेगी। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थी को 35,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो इस आधार पर इसको इसमें 11 महीने के लिए भर्ती की जा रही है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के गवर्नमेंट PG कॉलेज जोशीमठ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ UKSSSC ने भी यहाँ पर 3 विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें जो पहली विज्ञप्ति है वो 64 पदों पर निकाली गई है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर 73 पद हैं। 64 पद जो हैं वो यहाँ पर सहकारी पर्यवेक्षक के हैं, साथ ही 6 यहाँ पर विकास अधिकारी सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 में हैं, बीज परीक्षण के 2 पद पे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 73 पदों पर पहली विज्ञप्ति निकली हुई है, दूसरी जो है वो 78 पदों पर निकाली गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT में 54 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय शुल्क बागवानी संस्थान में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो 28 जनवरी को वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसके लिए पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। वहीं प्रगत संगणक विकास केंद्र में CDEC में 130 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नॉन टीचिंग पदों पर करें आवेदन तो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पाबंदियों के बीच रोडवेज कर्मी धरने पर डटे रहे। तो टनकपुर में कर्मचारियों ने समान वेतन सहित अन्य मांगों पर अडिग रहने का किया ऐलान। पुलिस कर्मियों के परिजनों ने जताया आक्रोश। 2001 के बाद बैच के सिपाही के ग्रेड पे पर निर्णय को लेकर के पुलिस कर्मियों के परिजनों ने आक्रोश जताया। पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे के लिए नई सरकार गठन का इंतजार करना होगा। चंपावत में बारिश से कड़ाके की ठंड पड़ी।
नाबालिग से दुराचार का आरोपी हरिद्वार से पकड़ा, तो नाबालिग से दुराचार के आरोपी को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। सड़क पर संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, तो पिथौरागढ़ से खबर है, जिला मुख्यालय के नज़दीक सड़क पर एक युवक का शव मिला है। पुलिस के मुताबिक रात में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है। इस साल 4 दिन देर से लगी आचार संहिता, तो उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। खास बात यह है कि इस बार 2017 की अपेक्षा आचार संहिता 4 दिन देरी से लगी है। आचार संहिता लगते ही बैनर होर्डिंग हटाए, तो वाहनों और घरों में लगे होर्डिंग को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पिथौरागढ़ में दिन भर चला शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों का सिलसिला, तो आचार संहिता लगने से पहले प्रदेश सरकार के मंत्री विधायक अपना राजनीतिक भविष्य सजाने के लिए विकास योजना का शिलान्यास व लोकार्पण करने में व्यस्त रहे। ऋषिकेश में दिन भर बरसी झमाझम बारिश, धनोल्टी मसूरी में गिरी बर्फ, खूब उमड़े पर्यटक। 14 जनवरी को पूरे प्रदेश में ऑटो विक्रम नहीं चलेंगे, तो उत्तराखंड विक्रम ऑटो महासंघ ने नए परमिट के विरोध में 14 जनवरी को पूरे प्रदेश में सवारी वाहन ऑटो और विक्रम का संचालन ठप करने का ऐलान किया है। वहीं खबर है, मंगलोर से सड़क हादसे में बाइक सवार 2 की मौत, तो हाईवे पर जीप और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 1 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पहाड़ में बर्फबारी से मैदानी क्षेत्र में शीतलहर के आसार, तो कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों पर हिमपात होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का आयोजन रद्द, तो इस बार भी उत्तरायणी मेला कोरोना की भेंट चढ़ गया है। प्रशासन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए मेला नहीं करने का निर्णय लिया है। पहले दिन 3 आयोजन करने का निर्णय लिया गया था, मेला नहीं होने के निर्णय से लोग निराश हैं। हल्द्वानी की सूरत, 6 घंटे में बदली होर्डिंग बैनर, साफ किए गए। अधर में जमरानी, चौथी सरकार भी नहीं रख पाई जमरानी बांध की नींव। कोटाबाग डिग्री कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण किया गया। जिले में नैनीताल बैंक की 4 नई शाखाएं खुली। राज्य में चुनावी बिगुल, नैनीताल में कोरोना बम फूटा, तो जिले में तेजी से बढ़ रहा संक्रमितों का आंकड़ा, शनिवार को 404 कोरोना मरीज मिले हैं। अगला सीएम कौन, धामी, हरीश रावत, प्रीतम या कर्नल कोठियाल, तो उत्तराखंड में नई बनने वाली सरकार के सीएम के रूप में 4 संभावित नाम ही आगे हैं। अशासकीय स्कूलों के विद्यार्थी संघ, टैबलेट वितरण में भेदभाव, तो उत्तराखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 10 व 12वीं बच्चों के लिए फ्री टैबलेट योजना शुरू की है। इधर सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थी इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, जबकि कुमाऊं के 111 ऐसे विद्यालयों में वेतन आदि सुविधा सरकार के स्तर से की जाती है, वहीं यहां पढ़ने वाले बच्चे आम घरों से आते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार की इस नीति को भेदभावपूर्ण बताया है। यहाँ बता दें कि सरकार ने 28 दिसंबर को जारी शासनादेश में प्रदेश की सरकारी हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में 10वीं और 12वीं के 1.59 लाख छात्राओं को टैबलेट देने की घोषणा की थी, जिसमें प्रत्येक छात्र के खाते में DBT के माध्यम से 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को स्वयं ही टैबलेट खरीदने हैं। कुमाऊं के 6 जिलों में 78,161 विद्यार्थी को यह लाभ मिलने जा रहा है। प्रदेश में अधिकांश अशासकीय विद्यालय सरकार की मदद से चलते हैं। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी मध्यम व निम्न आय वर्ग के परिवार से हैं, ऐसे में इन विद्यालयों को निःशुल्क टैबलेट सुविधा से वंचित रखा गया है, जो कि न्यायोचित कदम नहीं है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वही खबर है, सोमेश्वर से आचार संहिता से पहले 2 रोड का कटान शुरू, तो सोमेश्वर और सल्ट में 2 सड़कों के कटान का शुभारंभ हुआ। पौड़ी के मंत्री ने 29 सहकारिता बैंकों का लोकार्पण किया। वहीं सतपुल से खबर आई है, पर्यटन मंत्री ने सिंसिया झील का शिलान्यास किया। उत्तरकाशी ट्रेजरी में 85 लाख का गबन, तो जिला कोषागार उत्तरकाशी में 85 लाख रुपए के गबन का मामला प्रकाश में आया है। यहां विभागीय कर्मचारी की ओर से 10 मृत पेंशनरों की पेंशन को अपने खाते में हस्तांतरित किया गया।
गढ़वाल विश्वविद्यालय में 10 से ऑनलाइन कक्षाएं। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में तीनों परिसरों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन 10 जनवरी से ऑनलाइन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। एम्स के कर्मचारियों का हंगामा, तो सेवाएं समाप्त करने पर नोटिस जारी होने पर भड़के आउटसोर्स कर्मचारी। कैशलेस इलाज के लिए पेंशनरों के अंशदान कटौती पर लगी रोक, तो हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने जारी किया आदेश। राज्य स्वास्थ्य योजना में कैशलेस इलाज के लिए पेंशनरों से ली जाएगी सहमति। 3 शिक्षकों को मिला भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार, तो प्रदेश के 3 शिक्षकों को वर्ष 2021 के भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मकर संक्रांति स्नान पर असमंजस में श्रद्धालु संत, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति है मगर मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए उत्तर भारत में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। इस बार स्नान पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। शासन और जिला प्रशासन की ओर से जारी कोविड SOP में मकर संक्रांति के स्नान का कहीं जिक्र नहीं है। मतदाता की तिथि तय होते ही सक्रिय हुई कांग्रेस, तो प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल बोले चुनाव के लिए हमारा होमवर्क पूरा, 2 या 3 दिन में जारी कर देंगे पहली सूची। आपको झटका, रविंद्र जुगरान भाजपा में लौटे, तो उत्तराखंड में सरकार बनाने का सपना देख रही आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने आम आदमी पार्टी से त्यागपत्र देकर भाजपा में वापसी कर ली है। मसूरी धनोल्टी और चक्राता ने ओढ़ी बर्फ की चादर, उमड़े पर्यटक। RTO समेत 10 कर्मी संगीत मिले हैं, तो देहरादून से खबर आई है। पौड़ी के शुभम रावत का एयरफोर्स में चयन हुआ है। शशांक पंत बने मिस्टर ऋषिकेश। प्रवेश परीक्षा जल्द शुरू करे गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने मांग की है कि हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से छात्र हित में BEd प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा जल्द शुरू करने की मांग की है। युवा महोत्सव में कलाकारों ने दी मोहक प्रस्तुतियां, तो लोक नृत्य में पिथौरागढ़, लोकगीत में उत्तरकाशी ने मारी बाजी। वहीं खबर है कोटद्वार से। कोटद्वार में एक डॉक्टर समेत 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। ओली में स्कीइंग कोर्स शुरू, तो ओली में पिछले कुछ दिन से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद यहां के स्लोप स्कीइंग के लिए मुफीद हो गई है। ऐसे में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने यहां स्कीइंग कोर्स शुरू कर दिया है। रुद्रप्रयाग में बनेगी 902 मीटर लंबी सुरंग, तो बद्रीनाथ राजमार्ग को गौरीकुंड हाईवे से जोड़ेगी सुरंग। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो हरिद्वार में मिले 269 मरीज, 4 कंटेनमेंट जोन भी बने, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। वही खबर है हरिद्वार से, बिजली गिरने से शहर से देहात तक की बत्ती गुल रही। मकर संक्रांति स्नान को लेकर के दुविधा में संत और श्रद्धालु हैं। वही खबर है हरिद्वार से, भेल के रिटायर GM से मांगी रंगदारी। बात करते हरिद्वार नैनीताल खबरों की, तो केस 400 के पार सावधानी की दरकार, तो जिले में 404 संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग तेज की, संक्रमित लोगों की हो रही है मॉनिटरिंग। सार्वजनिक कार्यक्रम पर 16 तक लगी रोक, DM ने कहा तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश। वहीं खबर है हल्द्वानी से, खाली बर्तन बजाकर मांगा पानी, तो पानी के लिए जगदम्बा नगर के लोगों का गुस्सा फूटा, जाम लगाया। स्कूल फिर बंद होने से बढ़ी संचालकों की चिंता, तो कहा कई स्कूल बंदी की कगार पर, कई को बेचनी पड़ी हैं बसें। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो धारचूला से खबर आई है, -30 डिग्री तापमान पहुंचा, मौसम लगातार ले रहा है इम्तहान।
कोरोना का रहा प्रहार, फिर भी लापरवाही बरकरार। तो पिथौरागढ़ चंपावत से खबर आई है, चंपावत में 46 और पिथौरागढ़ जिले में सेना के जवानों बैंक कर्मी समेत 82 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पुल बनने से अपने आएंगे पास, रिश्तों में घुलेगी मिठास। तो धारचूला से खबर, धारचूला के मल्ला छारछूम में नेपाल के लिए प्रस्तावित 110 मीटर लंबे टू लेन मोटर पुल के निर्माण को सरकार से स्वीकृति मिल गई है। वही खबर है, पिथौरागढ़ से नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। एमएससी वनस्पति विज्ञान में प्रथम सेमेस्टर की पहली वरीयता सूची जारी कर दी गई है। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से गर्भवती समेत 29 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो 4 पुलिसकर्मियों समेत 35 लोग कोरोना संक्रमित मिले। गुस्सा भारी, अरे कोई तो सुन लो हमारी, तो मुआवजे की मांग को लेकर के धरने पर डटे रहे किसान। रुद्रपुर से खबर आई है, मीनाक्षी ने बीएड परीक्षा में किया टॉप।